ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो दो तीन दिन के गैप के बाद हम ये तीसरा अध्याय कंटिन्यू कर रहे हैं, द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हमने देखा कि कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव और देवकी बहुत सुंदर हृदयपूर्वक प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को। तो वो प्रार्थना सुन के भगवान देवकी को उत्तर देते हैं। ऑन हियरिंग द प्रेयर्स ऑफ देवकी द लॉर्ड रिप्लाई। तो देवकी के प्रार्थना सुन के भगवान उत्तर दे रहे हैं। माई डियर मदर, इन द मिलेनियम ऑफ स्वयंभू मनु माई फादर वसुदेव वॉज लिविंग एज वन ऑफ द प्रजापतिस एंड हिज नेम एट दैट टाइम वॉज सुतपा एंड यूअर इज वाइफ नेम्ड प्रिश्नी। तो कृष्ण बताते हैं, हे मेरी माता, स्वयंभू मनु के समय अभी जो मेरे पिता हैं वसुदेव, उस समय एक प्रजापति थे और उनका नाम था सुतपा, और आप उस जन्म में भी उनके पत्नी थे और आपका नाम था प्रिश्नी। एट दैट टाइम व्हेन लॉर्ड ब्रह्मा वॉज डिजायरिंग टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ही रिक्वेस्टेड यू टू जनरेट ऑफस्प्रिंग। क्योंकि ब्रह्मा का कर्तव्य है ये प्रजा का उत्पन्न करना, तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रजापति को बताते हैं, सुतपा को बताते हैं कि आप पुत्रों का उत्पन्न कीजिए। यू कंट्रोल्ड योर सेंसेस एंड परफॉर्म्ड सीवियर ऑस्टेरिटीज। तो ये आज्ञा मिलने के बाद ब्रह्मा जी से कि पुत्रों का उत्पन्न करना है उनको, तो पहले क्या करते हैं, इंद्रियों को दमन करते हैं और तपस्या करते हैं। तो कुछ भी महान चीज करने से पहले तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑस्टेरिटीज इज नीडेड। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसके स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में बहुत तपस्या करेगा और अच्छे से पढ़ाई करता है, तब उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल होता है, द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। तो इसलिए महान कार्य को स्पेशली भगवान के लिए कुछ महान सेवा करने के लिए तपस्या की ज़रूरत है। बाई प्रैक्टिसिंग द ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑफ द योगा सिस्टम बोथ यू एंड योर हस्बैंड कुड टॉलरेट ऑल द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मटीरियल लॉस द रेनी सीजन द ऑनस्लॉट ऑफ द विंड एंड द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सनशाइन। तो कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि सुतपा और प्रिश्नी ने योग का मार्ग का पालन किया, अष्टांग योग का, और इसके वजह से उनको शक्ति मिला सहन करने के लिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख द आगमा पाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्य भारत। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं टॉलरेट करो, सहन करो, क्योंकि ये दुनिया के जो अलग अलग वातावरण है, परिस्थिति है, हम उसको बदल नहीं सकते, हम सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्णन है, बरसात के समय या तूफान चलता है या धूप आता है, वी हैव टू जस्ट टॉलरेट। तो क्योंकि सुतपा और प्रिश्नी ने बहुत तपस्या किया और भगवान की भक्ति योग मार्ग का पालन किया अलग अलग अवस्था में,
सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भक्त मतलब सुख में या दुख में हर एक अवस्था में भगवान की भक्ति करता है। इन दिस वे यू ऑल्सो एग्जीक्यूटेड ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स। इन दिस वे यू आर एबल टू क्लेंज योर हार्ट एंड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ मटीरियल लॉ। तो क्योंकि उन्होंने तपस्या किया, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं ये मनुष्य जिंदगी मिला है तपस्या करने के लिए। तो सुतप और पृष्णि ने तपस्या किया, बहुत सालों तक तपस्या किया, इसके वजह से उनका हृदय शुद्ध हुआ। सो तपस्या का मेन लक्ष्य है प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय की हृदय को शुद्ध बनाना, तो वो लक्ष्य है। इन दिस वे यू आर एबल टू क्लेंज योर हार्ट एंड कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ मटीरियल लॉ। इन एग्जीक्यूटिंग योर ऑस्टेरिटी यू यूज टू ईट ओनली द लीव्स ऑफ ट्रीज विच फेल टू द ग्राउंड। तो कृष्ण स्मरण कर रहे हैं कि सुतप और पृष्णि ने कितना तपस्या किया कि खाने के लिए जो पेड़ से सूखा पत्ता गिरता था वही खाया उन्होंने। इसलिए भगवान के सेवा में जो तपस्या करता है वो तपस्या कभी फेल नहीं होता, इट डजंट गेट वेस्ट। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं धर्म के मार्ग में भगवान की भक्ति में तपस्या जो करता है, जो भी एडवांसमेंट करता है परमानेंटली रहता है। तो यहाँ पे वसुदेव और देवकी उनके पिछले जन्म के बारे में भूल गए हैं पर कृष्ण नहीं भूले हैं, कृष्ण इज नॉट फॉरगॉटन। तो इसलिए भक्ति का मार्ग में थोड़ा तपस्या होता होगा, इंद्रियों का दमन करना, भक्तों के संग में रहना, वो भी एक तपस्या है। तो अलग अलग तपस्या जब हम सहन करेंगे देन वी विल गेट प्यूरिफाइड। जब गिरिराज स्वामी महाराज जुहू मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट थे उस समय इतना कष्ट हो रहा था जुहू के एस्टेब्लिशमेंट में, सो मच प्रॉब्लम। तो गिरिराज महाराज सोच रहे थे ये सब छोड़ के मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूँगा, ये बहुत झंझट है, बहुत टेंशन है मुझे इधर। तो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद मैं क्विट कर रहा हूँ, रिजाइन दे रहा हूँ, मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूँगा। तो प्रभुपाद ने उनको एक ही प्रश्न पूछा, डोंट यू वॉन्ट टू गेट प्यूरिफाइड, आपको शुद्ध बनना नहीं है क्या? अगर आपको शुद्ध बनना है तो कंटिन्यू करो स्ट्रगल एंड टॉलरेट करो। तो इसलिए देवकी और वसुदेव कृष्णि और सुतपा के रूप में बहुत तपस्या किया उन्होंने, और ये सब तपस्या भगवान याद कर रहे हैं, द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। देन विथ स्टडी माइंड एंड कंट्रोल्ड सेक्स ड्राइव यू वर्शिप्ड मी डिजायरिंग सम वंडरफुल बेनेडिक्शन फ्रॉम मी। तो इस तरह से इंद्रियों का दमन करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए, जो काम वासना है उसको कंट्रोल करते हुए सुतप और पृष्णि ने इच्छा किया भगवान को प्राप्त करने का। बोथ ऑफ यू प्रैक्टिस्ड सिवियर ऑस्टेरिटीज फॉर 12,000 ईयर्स बाई द कैलकुलेशन ऑफ डेमीगॉड्स। एक साल दो साल की तपस्या नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति एक दो साल के लिए या थोड़े महीने के लिए फेक कर सकता है, दिखावा कर सकता है, पर सालों साल करना दिखावा नहीं होता। तो सिंसियरिटी का टेस्ट मतलब कंसिस्टेंसी। अगर कोई प्रामाणिक है कंसिस्टेंट रहेगा, जैसे एक पोल स्टार होता है, शूटिंग स्टार होता है, शूटिंग स्टार जानते हैं, ये तारा गिरता है उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ऐसा प्रकाश आता है सडनली गायब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं इस्कॉन में, आते हैं पूरे उत्साह के साथ, बाद में पूछो कहाँ हैं, चले गए, थे कभी तो थे वो, पर पोल स्टार बन के रहना है हमको, जैसे ध्रुव तारा होता है पोल स्टार हमेशा रहता है वहाँ पे। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति कैसी होती है, देवकी और वसुदेव को कृष्ण क्यों मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने साल तपस्या किया, 12,000 साल, वो भी धरती का साल नहीं, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ डेमीगॉड्स, मतलब अनगिनत साल उन्होंने तपस्या किया। ड्यूरिंग दैट टाइम योर माइंड वॉज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन मी। तो ये तपस्या भक्ति का तपस्या था, प्लेन वैराग्य नहीं था, नॉट सिंपल रिनाउंसिएशन, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए उन्होंने तपस्या किया। यू आर एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस एंड ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी विद इन योर हार्ट एंड आई वॉज वेरी मच प्लीज्ड विथ यू।
तो इतने साल उन्होंने क्या किया, कौन सा योग का मार्ग, भक्ति योग। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन किया उन्होंने, कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण का सेवा किया, और इस तरह से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का और भगवान को हमारी ज़िंदगी में अवतार लेने का जो सिचुएशन है, तरीका क्या है, पहला भगवान की भक्ति, एंड सेकेंड कंसिस्टेंटली अहेतु की अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतीयता। अहेतु की का मतलब है विदाउट एनी कंडीशंस, अप्रतीयता का मतलब है कंटिन्यूस अनुशीलनम। रूप गोस्वामी भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो ये जो शब्द है अनुशीलनम, उसका मतलब है कंटिन्यूस डिवोशनल सर्विस। तो क्योंकि उन्होंने निरंतर इतने साल तक भगवान की भक्ति किया उन्होंने, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। ओ सिनलेस मदर योर हार्ट इज देयर फॉर ऑलवेज प्योर। तो कृष्ण देवकी को बता रहे हैं, हे माता आपका हृदय हमेशा शुद्ध है। तो कृष्ण को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए हमारे हृदय को शुद्ध बनाने की ज़रूरत है। ऐसा गुंडीचा मार्जन हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा का अवसर चल रहा था और जगन्नाथपुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक आते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ये मंदिर को साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को हमारे हृदय में लाना है, हमारी ज़िंदगी में लाना है, तो पहला पवित्र होना पड़ेगा। तो देवकी का क्वालिफिकेशन है, वो पूरी तरह से पवित्र थी। और पवित्र कैसे हुई? क्योंकि उन्होंने इतने साल तपस्या किया। श्रण्वता सुगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विदुनोति सृत्सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की। तो जो अनर्थ हैं वो सब मिटाने का तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। At that time also, I appeared before you in this form just to fulfill your desire and I asked you to ask whatever you desired. तो वर्णन करते हैं कृष्ण, जब सुतप और प्रश्न इतना तपस्या करते हैं, कृष्ण उस समय भी प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और कृष्ण उनको पूछते हैं आपको क्या वर चाहिए। At that time, you wished to have me born as your son. तो सुतप और प्रश्न ने उस समय क्या बोला? भगवान हमारा एक ही इच्छा है, आप हमारे पुत्र के रूप में आने चाहिए। ऑल्टो यू सॉ मी पर्सनली इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई एनर्जी यू आस्क मी टू बिकम योर सन। तो देखिए वसुदेव और सुतप और प्रश्नी जब भगवान उनके सामने आते हैं, वो पूछ सकते थे हमको मुक्ति दे दो, पर वो क्या पूछते हैं? भगवान आप हमारे जीवन में पुत्र के रूप में आइए। मतलब वो फिर से और एक जन्म लेने के लिए तैयार थे भगवान की सेवा में, भगवान के जो मिशन में हेल्प करने के लिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये श्लोक सिखाया है, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी तुई। तो भक्तों को ये भाव होना चाहिए, ये प्रार्थना होना चाहिए कि हमको स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है, धन की आकांक्षा नहीं है, स्त्री की आकांक्षा नहीं है, हमारे एक ही इच्छा है भगवान की सेवा। वापस जन्म भी लेना पड़े तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर भगवान की सेवा। तो यहाँ पे सुतप और कृष्ण वापस जन्म लेने के लिए तैयार हैं, पर भगवान के मिशन में असिस्ट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स द लॉर्ड सेलेक्टेड इज मदर एंड फादर नेमली कृष्ण एंड सुतप स्पेसिफिकली टू अपियर इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो भगवान इसलिए ये कृष्ण के रूप में, कृष्ण के अवतार में अपने माता और पिता को चुनते हैं। तो जो बद्ध जीव हैं हमारे पास ये चुनाव नहीं है माता पिता को चुनने का, पर कृष्ण योग्य माता पिता को चुन के आते हैं। तो कृष्ण के कौन माता पिता हो सकते हैं? भगवान है, भगवान के माता पिता कौन हो सकते हैं? भगवान के जो भक्त हैं माता पिता का रोल करते हैं, क्योंकि कृष्ण को आदान प्रदान करना है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताम स्तरी व भजामि हम। कृष्ण बोलते हैं जैसा कोई मेरा भजन करता है उस तरह से भगवान संतुष्ट करते हैं। तो प्रश्नी और सुतपा का इच्छा था भगवान
हमको पुत्र के रूप में चाहिए, हमको वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करना है, तो भगवान ने पूरा किया। Whenever the Lord comes as a human being, he must have someone as a mother and father. So he selected Prishni and Sutapa perpetually as his mother and father. तो जब भी भगवान आते हैं अवतार लेने के लिए, भगवान के माता पिता होने चाहिए, है कि नहीं? स्पेशली मनुष्य रूप में आ रहे हैं तो उनके माता पिता होना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण अपने माता पिता को चुनते हैं और यहाँ पे कृष्ण प्रश्नि और सुतापा को चुन रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ दिस बोथ प्रश्नि एंड सुतापा कुड नॉट आस्क द लॉर्ड फॉर लिबरेशन। तो भगवान के मिशन में असिस्ट करने के लिए प्रश्नि और सुतापा मोक्ष नहीं मांगते, वापस जन्म लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर सेंटेंस लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। लिबरेशन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मुक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भक्त का इच्छा ही नहीं है मुक्ति प्राप्त करना, भक्त का एक ही इच्छा है लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा। मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवता भक्ति रहित की तुई। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं भक्तों को बार बार जन्म लिया तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको भगवान की सेवा करना है। दे वॉन्ट टू असिस्ट द लॉर्ड। द लॉर्ड कुड हैव अवॉर्डेड प्रश्नि एंड सुतापा इमीडिएट लिबरेशन, बट ही प्रिफर्ड टू कीप देम विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड फॉर हिज डिफरेंट अपियरेंसेस एज विल बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वर्सेस। तो कृष्ण चाहिए तो प्रश्नि और सुतापा को मुक्ति दे सकते थे, पर कृष्ण उनको बार बार जन्म देने का अवसर देते हैं, क्योंकि जब भी भगवान अवतार लेंगे माता पिता भी चाहिए। और हमेशा भगवान के माता पिता कौन होते हैं? प्रश्नि और सुतापा। देवकी और वसुदेव को ही भगवान चुनते हैं, मतलब भगवान का अवतार चलता रहेगा ये दुनिया में, और उसके लिए प्रश्नि और सुतापा वसुदेव और देवकी बार बार आते रहेंगे। तो भगवान को भी प्रॉब्लम नहीं है, भक्तों को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भक्त भगवान की संतुष्टि में ही खुश है। समसिद्धि हरि तोषणम, भगवान प्रसन्न तो हम प्रसन्न, वॉट एवर प्लीजेस द लॉर्ड। ऑन रिसीविंग द बेनेडिक्शन फ्रॉम द लॉर्ड टू बिकम हिज फादर एंड मदर, बोथ प्रश्नि एंड सुतापा रिटर्न फ्रॉम दियर एक्टिविटीज ऑफ ऑस्टेरिटी एंड लिव्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ इन ऑर्डर टू बिगेट अ चाइल्ड हु वॉज अ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो वर्णन आता है कि जब भगवान दर्शन देते हैं प्रश्नि और सुतापा को कि अवश्य मैं आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तो वापस प्रश्नि और सुतापा आते हैं और घर में पति पत्नी के रूप में रहते हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान आएंगे हमारे जिंदगी में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रश्नि बिकेम प्रेग्नेंट एंड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो उनके पिछले अवतार का वर्णन है, तो समय प्रश्नि और सुतापा तपस्या करके आते हैं कि हे भगवान आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आइए। तो तपस्या से आने के बाद प्रश्नि गर्भवती बनती है। द लॉर्ड स्पोक टू देवकी एंड वसुदेव, एट दैट टाइम माई नेम वॉज प्रश्नि गर्भ। तो समय जब प्रश्नि और सुतापा से जन्म लेते हैं भगवान का नाम रहता है प्रश्नि गर्भ। इन द नेक्स्ट मिलेनियम ऑल्सो यू टुक बर्थ एस अदिति एंड कश्यप एंड आई बिकेम योर चाइल्ड ऑफ द नेम उपेंद्र। तो कृष्ण बोल रहे हैं ये आपका पहले बार नहीं है जब आप मेरे माता पिता बन रहे हैं। प्रश्नि और सुतपा के रूप में आए थे उस समय भी मैं आपका पुत्र बना था प्रश्नि गर्भ, और फिर से आप जब अदिति और कश्यप के रूप में आते हैं फिर से मैं आपका पुत्र बनता हूँ और मेरा नाम है उपेंद्र वामन देव। एट दैट टाइम माई फॉर्म वॉज जस्ट लाइक अ ड्वार्फ एंड फॉर दिस रीजन आई वॉज नोन एज वामन देव। तो भगवान का उस समय नाम था वामन क्योंकि छोटे बटू थे। आई गेव यू द बेनेडिक्शन That I would take birth as your son three times. तो कृष्ण बताते हैं मैंने आपको वरदान दिया था कि तीन बार मैं आपके गर्भ में पुत्र के रूप में आऊंगा। The first time I was known as Prishni Garbh, born of Prishni and Sutapa. The next birth I was known as Upendra, born of Aditi and Kashyapa. And now for the third time I am born as Krishna from you, Devaki and Vasudev. तो कृष्ण बता रहे हैं मैंने उस समय प्रॉमिस किया था कि तीन बार मैं आपके घर में जन्म लूंगा पुत्र के रूप में। पहले बार आप जब प्रश्नि और सुतापा थे
उस समय मैं आया था प्रश्नी गर्भ के रूप में, और अगले बार जब अदिति और कश्यप बनते हैं तब मैं वामन देव के रूप में आता हूँ या उपेंद्र के रूप में, और अभी जब आप देवकी और वसुदेव बने हैं फिर से मैं आपके घर में जन्म ले रहा हूँ कृष्ण के रूप में। आई अपियर्ड इन दिस विष्णु फॉर्म जस्ट टू कन्विंस यू दैट आई एम द सेम पर्सन ऑफ गॉडेड अगेन टेकन बर्थ। तो कृष्ण बता रहे हैं मैं अभी विष्णु रूप में क्यों आया हूँ, आपको कन्विंस करने के लिए कि मैं वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो आपके घर में जन्म ले रहा है। तो भगवान ये विष्णु रूप दिखाते हैं ताकि आगे जाके लोग भी जाने कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक मनुष्य के रूप में आ रहे हैं। आई कुड हैव अपीयर्ड जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी चाइल्ड बट इन दैट वे यू वुड नॉट बिलीव दैट आई द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैव टेकन बर्थ इन योर वूम। तो कृष्ण बता रहे हैं मैं साधारण पुत्र के रूप में आ सकता था पर आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं वही भगवान हूँ, वही विष्णु हूँ, इसलिए मैं पहले विष्णु रूप में आया हूँ। माई डियर फादर एंड मदर, यू हैव देयरफॉर रेज्ड मी मेनी टाइम्स एज योर चाइल्ड विद ग्रेट अफेक्शन एंड लव एंड आई एम देयरफॉर वेरी प्लीज्ड एंड ओब्लाइज्ड टू यू। तो कृष्ण बता रहे हैं हे मेरे माता पिता, आप दोनों ने बहुत बार मेरा पालन पोषण किया है, पुत्र के रूप में आपने बहुत बार मुझे बढ़ाया है विद ग्रेट अफेक्शन एंड लव, देयरफॉर आई एम ऑब्लाइज टू यू, तो इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ आपके लिए। तो इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं भगवान भी कृतज्ञ होते हैं, दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली डूइंग भक्ति टू मी एंड आई अश्योर यू दैट दिस टाइम यू शैल गो बैक होम बैक टू गॉडहेड ऑन अकाउंट ऑफ योर परफेक्शन इन योर मिशन। तो कृष्ण बता रहे हैं कि तीन बार कितना सैक्रिफाइस किया, देखो देवकी और वसुदेव ने, पहला भगवान को अवतार देने के लिए, भगवान के माता पिता बनने के लिए सुतपा और पृष्टि बनते हैं और उस समय 12,000 साल तपस्या करते हैं, उसके बाद फिर से अदिति और कश्यप बनते हैं और फिर से अभी देवकी और वसुदेव, और जब देवकी और वसुदेव बनते हैं उनके जो छह पुत्र हैं उनके आंखों के सामने मारे गए, इन्होंने ये सब टॉलरेट किया। तो भगवान के मिशन में भाग लेना इतना आसान नहीं होता, यू आर ऑल्सो टेस्टेड, बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जो महान व्यक्ति के संपर्क में रहता है ही ऑल्सो हैज टू सैक्रिफाइस। तो देवकी और वसुदेव ने बहुत सैक्रिफाइस किया कृष्ण को बढ़ाने के लिए और कृष्ण को ये दुनिया में लाने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, हम सब इस्कॉन का लाभ ले रहे हैं पर प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में संघर्ष किया, क्योंकि प्रभुपाद ने संघर्ष किया हमको उसका फल मिल रहा है। तो यहाँ पे देवकी और वसुदेव ने इतना संघर्ष किया इसलिए हमको कृष्ण लीला का फल मिल रहा है। कृष्ण आते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति संघर्ष करता है। जैसे अभी भारत फ्री है, फ्रीडम मिल चुका है भारत को, स्वतंत्रता ब्रिटिश से, पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इसलिए आगे जाके पीढ़ियों को लाभ मिलता है। तो वैसे ही हम सबका कर्तव्य है कि भगवान के मिशन में सैक्रिफाइस करना, और जब हम सैक्रिफाइस करेंगे आर लाइफ विल बी परफेक्ट। हालांकि देवकी और वसुदेव ने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत कष्ट सहा, पर अभी परफेक्शन है। कृष्ण उनको बता रहे हैं ये जन्म के बाद निश्चित रूप से आप भगवत धाम जाओगे क्योंकि योर मिशन इज सक्सेसफुल, क्योंकि आपने मेरे मिशन में असिस्ट किया। आई नो दैट यू आर वेरी कंसर्न अबाउट मी एंड अफ्रेड ऑफ कंसर्न। तो कृष्ण बता रहे हैं मुझे पता है कि आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं और आपको भय भी है कि कंस आके मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमने देखा वसुदेव और देवकी का जो प्रार्थना है, हालांकि वो प्रार्थना करते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, फिर भी वो बोलते हैं हमको भय है कि कंस आके आपको कष्ट देगा। तो ये वात्सल्य भाव है कि भगवान के प्रति उनको प्रेम है, हालांकि भगवान है जानते हैं वसुदेव और देवकी, फिर भी वात्सल्य प्रेम है। Therefore, I order you to take me immediately to Gokul and replace me with the daughter who has just been born to Yashoda. तो कृष्ण बताते हैं इसलिए मेरा ये विनती है कि आप मुझे तुरंत गोकुल लेके जाइए, क्योंकि आपका भी इच्छा है कि कंस से मुझे बचा के रखना है, इसलिए आप मुझे तुरंत लेके जाइए गोकुल में, और वहाँ पे यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है
तो रिप्लेस कर दीजिए, होता ना एक्सचेंज ऑफर। तो कृष्णा बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, आप मुझे जाके वहां पे रख दीजिए और यशोदा के जो पुत्री है उसको लेके आइए। तो ये कृष्ण बताते हैं। तो कृष्ण पहले तो वसुदेव और देवकी को धन्यवाद देते हैं और उनके पिछले जिंदगी के बारे में बताते हैं और ये आदेश देते हैं, तुरंत जन्म लेते ही आदेश दे रहे हैं। जनरली जो पिता है पुत्र को आदेश देते हैं, पर यहाँ पे पुत्र अपने पिता को आदेश दे रहे हैं कि मुझे गोकुल लेके जाइए। तो आगे जाके सम स्मॉल पार्ट इज लेफ्ट, ये अध्याय का एक छोटा भाग बचा है कि कैसे वसुदेव वृंदावन गोकुल जाते हैं और कृष्ण को वहाँ पर रख के यशोदा के जो पुत्री है उसको लेके आते हैं। वी विल सी दिस डिस्कशन टुमारो, हम कल शाम को ये कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।